और इनकी बच्चों के अंदर जिसे मुरूसी मर्ज कहा जाता है, और 11 साल की उम्र में दो बच्चियां थी वो दानु फोत हो गई। डॉक्टर ने तो कहा इसका इलाज नहीं है, आंसू भरे आंखों से अपनी बेटियों को कब्रिस्तान में छोड़ जाते थे। मैं देख रहा हूँ मोहम्मद अनीफ मियां वाली से आए हैं, और इनकी बच्चों के अंदर जिसे मुरूसी मर्ज कहा जाता है, खानदानी मर्ज कहा जाता है, और इनकी खानदानी मर्ज ये थी कि इनका जिगर खून नहीं बनाता, और इस खून ना बनाने की वजह से, खून ना बनाने की वजह से 11 साल की दो बच्चियां थी। जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है, और 11 साल की उम्र में दो बच्चियां थी वो जिगर ना खून बनाने की वजह से वो दानु फोत हो गए। लेकिन जब ताजदारे मदीना का करम होता है, अब डॉक्टर ने तो कहा इसका इलाज नहीं है, लेकिन हजूर के गुलाम ने कहा इसका इलाज है, क्योंकि रब का कुरान कहता है मेरे मेहरबानी और मेरे करम मेरी अदाओं से है बंदा तू कभी मायूस नहीं होना। ये आकर इन्होंने 7 दम कराए, और 7 दमों के बाद जो आंसू भरी आंखों से अपनी बेटियों को कब्रिस्तान में छोड़ जाते थे, आज वही आंखें आंसू नहीं भरती, बल्कि उन आंखों के अंदर चमक और खुशी, वो चेहरा जो मुरझा चुका था उस चेहरे के अंदर खुशी हो गई। और जब यहां से 7 दम कराए तीसरी बेटी को, तो अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना के सदके से हुजूर की निगाहें शफकत से जो गुलदस्ते सजते थे कब्रिस्तानों में, आज वो बेटी खुश होकर आई। डॉक्टरों से चेक कराया, डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे जिगर 100% ठीक है, बिल्कुल खून बना रहा है, जिस्म के अंदर कोई मर्ज नहीं है। अल्लाह ताला का ये कर्म हो गया है कि अब इस जिगर की मर्ज तुम्हारे खानदान से चली गई है। और ये रिपोर्ट जो मौजूद थी, अब ये कितनी खुशी से आए हैं, जो आंखें आंसू बहाती हैं उन आंखों में अल्लाह वालों की दहलीज पे आकर खुशियों में थी। अब ये कितने खुश हैं, इनसे पूछो कि कब्रिस्तान में अपनी औलाद को छोड़ना कितना मुश्किल बात होती है, ये हमेशा इंसान ही जानता है जिसे दर्द होता है। आज ये कितने खुश हैं, आज कितनी खुशी से अपनी बेटी को लेके आए हैं कि कितनी तकलीफ में थी, और आज मेरी बेटी, उन्हीं डॉक्टरों ने कहा कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, आज ताजदारे मदीना के सदके से उसका इलाज मुमकिन नहीं, बल्कि वो इलाज वो मर्ज ही चली गई जिस्म से। इसलिए मारूसी मर्जे भी दरे दरवेश पे आके चली जाती है। वजह क्या है, जब सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा जला लो तो फिर ये रोशनी सारी कायनात में फैल जाती है।